किरदार। जनपद मुजफ्फरनगर में आयोजित एक सेमिनार के दौरान देश के जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के द्वारा बागपत के महिला के सर में थूकने का मामला अब गर्माने लगा है। आज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने महिला के समर्थन में उतर आए और उन्होंने जावेद हबीब के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनके पुतले को आग के हवाले कर दिया और साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की। आज हमने जावेद हबीब का पुतला फूंका है। दरअसल इन विधर्मियों का थूक से बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना लगाव है। पहले लोग खाने में थूकते थे, दाल में थूकते थे, नान में थूकते थे, इन्होंने महिलाओं के ऊपर ही थूकना शुरू कर दिया है। सेमिनार के दौरान मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में एक सेमिनार किया हुआ था कटिंग का, उसमें बड़ोसी एक ब्यूटी पार्लर संचालिता है वो वहाँ पर गई हुई थी। उन्होंने इसको स्टेज पर आमंत्रित किया कटिंग के लिए। वहाँ पर उनको थूक में अपनी जान बताते हुए उनके सिर में थूका है, जिसको हिंदू जागरण मंच कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक पुरजोर आंदोलन के तहत हिंदू जागरण मंच अपना कार्य कर रहा है। अगर उसको जल्द ही गिरफ्तार नहीं किया गया, हिंदू जागरण मंच प्रत्येक थाने स्तर पर आंदोलन करेगा और उसे गिरफ्तार करने की पूरी मांग करेगा। दरअसल मुजफ्फरनगर के सेमिनार में देश के मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब द्वारा महिलाओं को कटिंग के टिप्स के दौरान जावेद हबीब द्वारा बागपत की महिला के सर में कटिंग के दौरान दो बार थूक दिया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। वहीं जावेद हबीब की इस करतूत से हिंदू संगठन के लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर आज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए सभी ने पुलिस से उनकी गिरफ्तारी की मांग की। जावेद हबीब जो एक हेयर ड्रेसर है, उसने मंसूरपुर के सेमिनार में एक आयोजन था, वहाँ पे सेमिनार हुआ था, उसमें पड़ोसी एक ब्यूटी पार्लर संचालिका है पूजा गुप्ता, वे गई हुई थी। इन लोगों ने वहाँ पर उसके सर पर थुकाया और ये उनको अपनी जान बता रहे हैं। इन लोगों का ये एक मानसिक निर्णय इनकी ऐसी हो चुकी है कि थूक को ही अपनी जान बताते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं जावेद हबीब को एक बात बताना चाहता हूँ। जो आप कह रहे हो ना कि थूक में जान है, महिलाओं की चप्पलों में बहुत जान है, लेकिन ये चप्पलें उतार के आप तुम्हारे मुंह पर मारेगी ना, तुम्हारा सब ये थूक पास चलना बंद हो जाएगा। तो अभी क्या मांग करते हैं हम? इसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं हम। इसे ये गिरफ्तार होना चाहिए, अच्छी धाराएं में मुकदमा दर्ज हुआ है और इसकी गिरफ्तारी की मांग। बागपत से अजय कुमार, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।